हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। और मैं स्वागत करती हूं आपका हिंदी की एसएससी जीडी की हिंदी की अभ्यास क्लास में। मैं आपके लिए डेली 20 प्रश्न लेके आती हूं एसएससी जीडी के, जो कि हिंदी के प्रश्न हैं। ठीक है, कहाँ से पूछे जाते हैं हिंदी में भी, कौन कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं, वो हम सिर्फ पिछले क्वेश्चन पेपर्स को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करने से पहले ये देखना पड़ता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न रखता है। तो हम जो है वो जो पिछले क्वेश्चन जो पहले पेपर हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम जो है आज से स्टार्ट करते हैं। अभी ये पहला प्रश्न है आपके सामने एसएससी जीडी का है हिंदी का। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग शब्द वाला शब्द प्रयोग हो। तो हमें कौन सा शब्द छाटना है, पुल्लिंग शब्द का है इसमें, है ना। तो पहले तो हम पढ़ते हैं वाक्य को कि हमें चावल दाल के साथ रिक्त स्थान खाना चाहिए। तो हमें कौन सा शब्द बताना है, पुल्लिंग शब्द छाटना है। तो हमारे सामने ये चार शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें से जो पुल्लिंग शब्द होगा वही रिक्त स्थान की जगह पे आएगा। तो पहला है आपका मिठाई। तो मिठाई जो शब्द है, मिठाई जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है कि मैंने मिठाई खाई। स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द जो पहचानने के तरीके होते हैं कि एक तो होता है मेरा और मेरी, ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं, पहला होता है मेरा या मेरी। तो मेरी जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और मेरा जो शब्द होता है वो पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम इन दोनों को लगा करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा मेरी मिठाई या मेरा मिठाई, तो हमारा जो सही शब्द बन रहा है वो बन रहा है मेरी मिठाई, ठीक है। दूसरा है मेरा लस्सी या मेरी लस्सी, तो इसमें जो शब्द बनेगा मेरी लस्सी। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। घी, घी जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है कि मेरा घी या मेरी घी, तो मेरा घी ज़्यादा सही बैठ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। और चटनी, चटनी शब्द भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों को इसी तरह से पहचाना जाता है, ठीक है। आप लोग मेरा या मेरी लगा करके आप पहचान सकते हैं। तो हमारा इसमें आंसर सही है घी, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही है। हमें वाक्यांश के लिए बताना है अपना मतलब साधने वाला के लिए क्या शब्द आएगा, जो अपना मतलब साधता है उसके लिए स्वार्थी आएगा या उपही आएगा या व्यापक आएगा या परमार्थी आएगा। तो अपना मतलब या अपना उल्लू सीधा करने वाला, ये शब्द भी कह सकते हैं, उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है स्वार्थी, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। स्वार्थी हमारा आंसर सही है, ये स्वार्थी पहला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, इसमें ऑप्शन दिया गया है। यदि त्रुटि है कहीं पे तो वहां उस जगह को बताना है। तो कोई त्रुटि नहीं है पहला ऑप्शन तो यही है। तो हम तो पहले वाक्य देख लेते हैं। मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, तो इसमें से पहले से निश्चित ये एकदम सही वाक्य है। कर रखा था ये भी सही लिखा है। मैं ऐसा करना ये गलत आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि इस जगह मैं की जगह जो शब्द आएगा वो शब्द आएगा मैंने। अगर मैं यहाँ पर मैंने शब्द लिख देती हूँ तो ये वाक्य हमारा सही बनेगा पढ़ने में कि मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा चौथा सही है ऑप्शन। आगे है, दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प शुद्ध हैं जबकि एक अशुद्ध है। ये वाक्य दिए गए हैं, इसमें से तीन शुद्ध हैं और एक अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य छाटना है। इससे आपका क्या तात्पर्य है, अगर सात है तो सब संभव है। तीसरा है छवि कहाँ गई, और चौथा है कि बेमतलब की बात मत करो। तो इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य तीनों ये जो शब्द हैं या तीनों जो वाक्य हैं हमारे शुद्ध हैं लिखे गए, इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है। त्रुटि है हमारे चौथे में, वो लिख रहा है कि बेमतलब की बातें मत करो, ठीक है। ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा अशुद्ध वाक्य है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब ये लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमें। इसमें लोकोक्ति दी है, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। ये एक मुहावरा या लोकोक्ति कह लिया कि 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा? अर्थ पूछा है। पहला अर्थ जो दिया है वो दिया है जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। दूसरा दिया है आपका धन ही सबसे बड़ा होता है। तीसरा दिया है पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। या चौथा दिया है एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा चौथा सही है कि 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन आते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका, आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमें पर्यायवाची शब्द बताना है कि द्रौपदी का रिक्त स्थान यानी कि हरड़ भरी सभा में हुआ, ये जो कोष्टक में दिया गया शब्द है इसका हमें पर्यायवाची बताना है। तो हमें किसका पर्यायवाची बताना है? कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। तो पहला शब्द है आपका वर्णन होगा, तो ये तो होता नहीं है कपड़े का पर्यायवाची। या चीर होगा, या गुड़ होगा, या अस्त्र होगा। तो चीर जो शब्द है, चीर आपका कपड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो द्रौपदी का चीर हरड़ भरी सभा में हुआ था, ये वाक्य हमारा सही है। अब देखा जाए तो कपड़े के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे गांव में कहा जाता है लत्ता। लत्ता भी शब्द जो है वो कपड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक और होता है वसन। कपड़े के पर्यायवाची पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये दो मैंने आपको बता दिए, एक चीर होता है, एक कपड़ा होता है, वसन होता है, लत्ता होता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसमें जो रेखांकित शब्द है, भोर होते ही सब उठ गए। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वह है भोर। हमें बताना है भोर का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि भोर का उल्टा बताना है। तो भोर का विलोम शब्द आकाशीय होगा, या सुबह होगा, या सांझ होगा, या प्रभात होगा। तो भोर का क्या अर्थ होता है? भोर यानी कि भोर का जो मतलब होता है सुबह का टाइम। तो सुबह का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं भोर, सुबह को। तो सुबह का हमें उल्टा बताएंगे तो वो आएगा शाम। जबकि शाम का जो तत्सम, शाम जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है। जबकि इसमें जो सांझ जो ऑप्शन दिया है वो तत्सम दिया है। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा आंसर है, तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। इसमें से सुबह और प्रभात तो भोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आकाशीय है नहीं, सांझ इसमें हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये शब्द क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया है, इसका आंसर भी चीर ही होगा, कपड़े का पर्यायवाची पूछा था। आगे है, जो दिए गए मुहावरे को अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो पानी की, ये मुहावरा दिया है और इसका हमें अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ होगा। तो पानी की तरह बहाना, आपने गांव में सुना होगा, ज्यादातर सब कह ही देते हैं कि पानी की तरह बहा रहा है। तो इसमें क्या अर्थ होगा? नदी पार लग करना होता है, या अंधाधुंध खर्च करना होता है, या कीमती ना होना, या नरम डील होना। तो पानी की तरह बहाना, ये किस वाक्य के में प्रयोग किया, किस अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है अंधाधुंध खर्च करने के, पैसा कोई ज्यादा यानी कि आंख मीच करके पैसा सिर्फ खर्च कर दिया जाता है, उसके लिए जो मुहावरा प्रयोग किया जाता है वह होता है कि पानी की तरह खर्च करना, या पानी की तरह बहा देना। निम्नलिखित वाक्य में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? निराधार आएगा, या निरामिष आएगा, या निराहार आएगा, या निरापद आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चौथा ऑप्शन, निरापराध हमारा सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अशुद्धि छांटनी है कि उस वाक्य को पहचानी हो जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो जो आदमी दूसरों के भावों का आदर
करना नहीं जानता हो उससे दूसरों में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी है। तो हमें चार बताने हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हमारा चौथा ऑप्शन लग जाएगा कि आशा नहीं करनी चाहिए। उसमें क्या है कि मात्राएं संबंधी है, तो हमें सिर्फ मात्राएं संबंधी देखनी है। जब क्वेश्चन ही कह रहा है कि मात्रा संबंधी अशुद्धि है तो हम किसी और को क्यों देखें। तो की आशा नहीं करनी चाहिए, तो ये वाक्य तो एकदम सही लिखा है, इसमें किसी भी मात्रा की कमी नहीं है। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर, इसमें भी सही लिखा हुआ है, करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा तीसरा सही है। क्योंकि उससे जो शब्द है ये गलत लिखा है, इसमें जो होना था वो होना था उसे, ये डबल सा ना लग करके सिर्फ एक ही सापेक्ष एक ही मात्रा होनी थी कि करना नहीं जानता उसे दूसरों में भी सद्भावना, ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, इसमें से तीसरा आंसर सही है। ठीक है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कल उमा की पेशी है, मैं पेशी है, तो क्या इम्तहान आएगा या हाल आएगा या तारीख आएगा या अदालत आएगा, तो इसमें जो शब्द आएगा वो आएगा अदालत, कि कल उमा की अदालत में पेशी है, हमारा वाक्य सही बना है। आगे है आपका प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही हो। तो सिर से पांव तक के लिए जो एक शब्द होता है वो क्या प्रयोग होता है, आतताई होता है या आधोपांत होता है या अपाद मस्तक होता है या आचार पूत होता है। तो सिर से पांव तक इसके लिए जो एक वाक्य प्रयोग किया जाता है वो हमारा आपाद मस्तक होता है, क्योंकि आपाद का अर्थ ही पैर होता है और मस्तक का अर्थ क्या होता है, सिर होता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें से सही है, आपाद मस्तक। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए। अब इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एसएससी जीडी में क्या होता है कि पहले तो वो डायरेक्ट पूछ लेता था कि इसका तत्सम बताओ, अब इसमें तत्सम शब्द पूछा है वो किसका पूछा है, घड़ी का पूछा है। इतनी रामायण देके वो क्या करता है, बच्चे के टाइम को खर्च करवाता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा टाइम को खर्च कर सके। तो हमें सिर्फ देखना है कि कोष्टक में कौन सा शब्द दिया गया है, घड़ी, और इसका हमें बताना क्या है, तत्सम रूप बताना है, बाकी किसी से हमें लेना देना है ही नहीं। तो हमें घड़ी का बताना है, तो घड़ी का, घड़ी जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्द कौन से होते हैं जो संस्कृत भाषा से जिनका रूप बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उनको ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों यानी कि जैसे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग कर दिए जाएं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो हमें बताना है घड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो घोटक होगा या घृत होगा या घट होगा या घटका होगा। तो घड़ी का जो तत्सम शब्द होता है वो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, घटका। घड़ी को तत्सम में घटका कहते हैं, जबकि ये जो घोटक शब्द है ये तो घोड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये घृत जो है वो घी के लिए प्रयोग किया जाता है, और घट माने होता है घड़ा। ठीक है, ये तीनों भी तत्सम थे और ये तीनों तद्भव हैं। तो घड़ी का जो शब्द तत्सम शब्द होगा वो घटका, हमारा आंसर सही है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमें विलोम शब्द बताना है कि ज्योति का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, तो ज्योति का तम होगा या प्रकाश होगा या उजाला होगा या शीतलता होगा। तो हमें बताना है ज्योति का, तो ज्योति यानी कि प्रकाश होता है यानी कि रोशनी, उजाला, ये जो शब्द है ये ज्योति के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ये जो तम शब्द है, तम जो है अंधेरे को, अंधेरे का पर्यायवाची है, और हमें ज्योति का विलोम यही हो गया, तम यानी कि अंधेरा। तो इसमें जो आंसर सही है वो तम सही है, पहला, ज्योति का विलोम शब्द तम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये गद्यांश दिया गया है आपके सामने, गद्यांश के चार पांच प्रश्न होते हैं इसके भी,
नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने चार विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और चार विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। तो ऐसे प्रश्न दिया होता है, मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न दिखा देती हूं आपको ऐसे, कि शिक्षा मनुष्य को शिक्षित है और रिक्त स्थान इंसान बनाती है। तो इसमें से चार जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हमें छांटने होते हैं कि कौन सा आएगा। अब ये पैराग्राफ पूरा पढ़ने में तो टाइम लगता है, तो एक ही बार अगर पैराग्राफ पढ़ना चाहें तो पैराग्राफ भी पूरा पूरा एक ही बार में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी देखा जाए कि इसमें ढूंढ के आंसर निकाला जा सके, तो इसमें आंसर नहीं दिया होता, क्योंकि देखो पहला जो क्वेश्चन है वो यहां से दिया है, शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और रिक्त स्थान इंसान बनाती है, यहां भी रिक्त स्थान दिया है, तो इसमें से आंसर नहीं आएगा। लेकिन इन इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमारा जो है, इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तभी हम उसको आंसर लगा पाते हैं उसका। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और रिक्त स्थान बनाती है, तो क्या बनाती है, सभ्य, अधीर, अशिक्षित या असभ्य। तो इसमें से जो आंसर होगा वो हमारा होगा पहला ऑप्शन, सही है कि सभ्य बनाती है, यानी कि शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और सभ्य बनाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, शिक्षित व्यक्ति रिक्त स्थान बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है, तो इसमें से क्या आएगा, कि गैर जिम्मेदार या पढ़ाकू या जिम्मेदार या बड़ा। तो इसमें से जो आंसर होगा वो हमारा तीसरा सही है, कि शिक्षित व्यक्ति जिम्मेदार बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। कई जगह और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को साबित किया है, तो बेहतर, सुंदर, मजेदार या परिपूर्ण। तो इसमें से जो आएगा आंसर वो हमारा पहला सही है, बेहतर। ये बहुत ही सरल होते हैं, पांच प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें से एक भी गलत होने की संभावना नहीं जा सकती। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पैराग्राफ के बारे में जान लेना होता है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है। आंसर उसमें भी नहीं दिए गए हैं, उसमें भी रिक्त स्थान ऐसे ही लिया गया, ऐसे ही दिया गया है, क्वेश्चनों को उठा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ बेहतर ही तो लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं, सुंदर और मजेदार और परिपूर्ण से तो कोई मतलब है ही नहीं इसमें। लड़कियां कई सफल पद पर बड़े और लगन के साथ काम कर रही हैं, तो मस्ती या आत्मविश्वास या लोगों के साथ या काम। तो इसमें से जो आंसर होगा वो हमारा दूसरा सही है, कि आत्मविश्वास के साथ और लगन के साथ काम कर रही हैं। आगे प्रश्न है, लड़कियां कई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर हमारा दूसरा सही है कि आत्मविश्वास। आगे है, आगे इतने ही प्रश्न है आपके, 20 प्रश्न आपके SSC GD के पूरे हो गए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।